हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे, आज है संडे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अध्यात्म का विषय। आप जानते हो इस 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है जो 22 अगस्त तक चलेगा। ये महादेव का प्रिय महीना है, महादेव की भक्ति का महीना है। इसमें लोग महादेव की भक्ति करते हैं और मन चाह फल पाते हैं। कहते हैं इस सावन माह में ही माता पार्वती ने भगवान महादेव को पाने के लिए कठोर तप और कठोर तपस्या की थी और महादेव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। इसीलिए यह सावन महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। आज मैं आपको इस सावन महीने में महादेव की एक प्रिय कथा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप ये कथा जरूर सुने, सावन माह में आपको इसका बहुत ही बड़ा लाभ होगा। कैसे महादेव अपने भक्त के लिए स्वयं काल को भी समाप्त कर दिया। महादेव अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने भक्त के लिए स्वयं काल को भी समाप्त कर दिया। यह कथा स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। जो महादेव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उन्होंने ये कथा स्वयं संतों को सुनाई थी। यह कथा महाराजा श्वेत केतु की है। श्वेत केतु महाराजा बहुत ही धर्मी महाराजा थे और सत्य की राह पर चलते थे, धर्म की राह पर चलते थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा खुश रहती थी और वो महादेव के परम भक्त थे, हमेशा महादेव की पूजा में लीन रहते थे। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब उनका अंत समय आया। उस अंत समय वो महादेव के मंदिर में महादेव की पूजा में लीन थे। इधर से यमदूत आते हैं महाराजा श्वेत केतु के लेने के लिए। अब यमदूत आते हैं तो यमदूत देखते हैं कि महाराजा श्वेत केतु भगवान महादेव की तपस्या में लीन है, तो वो स्वयं उस मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जब ये तपस्या से बाहर वापस निकलेंगे मंदिर से, तब इनके प्राण हर लेंगे। वो बाहर इंतजार करते हैं। फिर बहुत देर हो जाती है, यमदूत नहीं आते हैं तो स्वयं यमराज आते हैं और देखते हैं कि महाराजा श्वेत केतु भगवान महादेव की तपस्या में लीन है, तो वो भी बाहर खड़े हो जाते हैं। वो भी नहीं चाहते कि इनकी तपस्या भंग की जाए। वो जानते थे कि अगर तपस्या भंग करेंगे इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो भी बाहर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद स्वयं काल आता है और वो भी देखता है कि श्वेत केतु महाराजा भगवान शिव की तपस्या में लीन है, लेकिन वो आओ देखता ना ताव काल तलवार लेके महाराजा श्वेत केतु को मारने के लिए मंदिर के अंदर चला जाता है। ये देखकर महादेव स्वयं प्रकट होते हैं और अपने त्रिनेत्र को खोलते हैं और स्वयं काल को वहीं भस्म कर देते हैं। जब महाराजा श्वेत केतु की आंखें खुलती हैं तो महादेव को कहते हैं, महादेव ये भस्म किसकी है और ये क्या किया आपने? तो महादेव कहते हैं, ये स्वयं काल है जो तुम्हारे प्राण हरने के लिए आए थे। तो वो कहते हैं कि प्रभु प्राण हर कर, जी हाँ, ये श्वेत केतु तुम मेरी भक्ति में लीन थे, लेकिन ये काल तुमको मृत्यु देने के लिए आया था, इसलिए मैंने इसको खुद को मृत्यु दे दी। तो श्वेत केतु कहते हैं, महाराज ये काल तो आपकी आज्ञा से तीनों लोकों में विचरण करता है और इसका काम ही है लोगों को प्राण हरना। जब ये लोगों के प्राण नहीं हरेगा तो क्या होगा? सृष्टि में असंतुलन पैदा हो जाएगा, आप इसको जीवन दान दीजिए। महाराजा श्वेत केतु के कहने पर महादेव उस काल को वापस जीवन दान देते हैं और काल जब उठता है तो महाराजा श्वेत केतु को गले लगा देता है। तब स्वयं काल और यमराज कहते हैं कि जो इंसान महादेव की अनन्य भक्ति करेगा उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। तभी से कहते हैं कि महादेव की भक्ति करने वाले को कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है। तो इस सावन के महीने में यह कथा आप जरूर सुने, यह कथा आपको जरूर लाभ देगी। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे आध्यात्मिक से जुड़े विषय में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।